हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई होप तुसी सारे ठीक होंगे। अज दी वीडियो विच मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी मोस्ट चीपेस्ट मेकअप प्रोडक्ट फ्रॉम मीशो। सो जो मैं मीशो तो मेकअप प्रोडक्ट बाय किए हैं, इन्हां नाल फुल फेस मेकअप ट्यूटोरियल मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी। सो अपने फेस से सारे मेकअप प्रोडक्ट मैं अप्लाई करके दिखावांगी। सो पिछली वीडियो में मैं तुहाडे नाल शेयर किया कि जो मैं मेकअप प्रोडक्ट मीशो तो मंगवाए हैं, कि जो मैं ऑर्डर किया मैंने की रिसीव होया, दैन इन्हें क्वालिटी भी शेयर कर दी सी। तो तुहानू क्वालिटी पता लगी होगी कि इन्हों प्रोडक्टों की किस तरह की है। पर वीडियो स्टार्ट करने तो पहले अगर मेरे चैनल पर न्यू आया तो चैनल में सबसक्राइब करो, नाल ही बैल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर दे, जिस मेरे आने वाली होर वीडियो की नोटिफिकेशन भी तुम्हें मिल जाएगी। सो जो मेकअप प्रोडक्ट हैं फ्रॉम मीशो तो बहुत ही चीपेस्ट मेकअप प्रोडक्ट हैं। सो इनका प्राइस भी मैं साइड पर मैनशन कर देवगी, एंड में की ऑर्डर किया दैन मैंने की रिसीव होया वो भी मैं साइड पर मैनशन कर देवगी। तो जो मीशो तो मेकअप प्रोडक्ट हैं इन्हों की क्वालिटी का कोई पता नहीं हूँ, बहुत ही घट प्राइस के अपन मेकअप प्रोडक्ट मिलते हैं, होर भी बहुत तरह का समान मिलता है। सो जो इन्हों की क्वालिटी है अपन कोई श्योर नहीं होंगे कि किस तरह की होगी। सो सारे मेकअप प्रोडक्ट मैं नहीं कह सकती कि बढ़िया नहीं हैं। सो कुछ मेकअप प्रोडक्ट बहुत बढ़िया भी हैं मीशो से, पर आपको अप्लाई करके पता लगता है। सो इस करके मैं थोड़े इन्होंने प्रोडक्टों का रिव्यू शेयर कर लगी हाँ, जिस तरह भी हेल्प मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। सो सब तो पहले मैं अपने फेस से ओनली मॉइस्चराइजर पॉन्ड्स क्रीम अप्लाई की एंड हल्की जी लिप बाम, दैन उस तो बाद इस है प्राइमर। सो दैन मैं अप्लाई कराँगी ये वाला प्राइमर। सो यह है मैटिफाई बेस प्राइमर, जैल बेस है, दैन इस अप्लाई करांगे एंड हल्का जहा लैके इस अमाउंट विच। सो इसकी कोई खास स्मैल नहीं है, सो नहीं तो बहुत ही जो सस्ते प्रोडक्ट होंगे हाँ गंदी स्मैल आती है। दैन इस करांगे अप्लाई, ये कोई ज़्यादा थिन भी नहीं है ना ही थिक है, दैन कुछ इस तरह सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं लग रहा जिस तरह प्राइमर ना लगता है। सो दैन इस मैं अप्लाई कर लेती हाँ प्रेस करके, जिस तरह आप नॉर्मली प्राइमर अप्लाई करते हाँ, एंड फिंगर तो ये फेस से अप्लाई हो गया, एंड देख सकते हैं कि जो प्राइमर है वो फेस से तो अप्लाई हो गया एंड सैट भी हो गया। पर अप्लाई करने तो बाद मैं इस तरह लगता है जिमें अपने फेस से कुछ बाटर टाइप लगाया है, इस तरह नहीं लगता कि कुछ लगा के मैं अपनी स्किन सॉफ्ट लग रही है। सो स्किन जिस तरह से पहला उस तरह ही है, कोई स्किन विच फर्क नहीं। सो मैं पूरे फेस से भी अप्लाई नहीं किया, सो फुल फेस की स्किन सेम लग रही है प्राइमर अप्लाई करना। बस पहला थोड़ा लग रहा है कि वाटर वाटर टाइप अप्लाई किया है, पर दैन ब्लेंड करते वह भी स्किन दे विच ही मिक्स हो गया। सो इस तरह नहीं लगता कि आप स्किन पर कुछ अप्लाई किया है, सो देखने विच भी नहीं लग रहा एंड इस तरह कुछ फील भी नहीं हो रहा कि आप स्किन पर कुछ अप्लाई किया है। तो ये वाला प्राइमर है कोई वर्क नहीं करता, ना ही स्किन को सॉफ्ट बनाता है। सो ओपन पोर्स नूं तां किस तरह फिल करेगा, क्योंकि इन्ने घट प्राइस दे विच कोई भी प्राइमर वर्क नहीं करेगा। सो इस प्राइमर नूं लैण दा कोई फायदा नहीं। दैन मैं तुहानूं अप्लाई करके भी दिखा दिता है। मीशो के सस्ते मेकअप प्रोडक्ट बाय करन दा भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर वो कोई वर्क ही नहीं करते तो घट प्राइस विच भी उन्होंने बाय करन दा की फायदा। सो वो अपने पैसे वेस्ट ही हैं। इस तों बाद मैं अप्लाई करांगी करैक्टर। सो यह है एले गर्ल दा प्रो करैक्टर, ऑरेंज करैक्टर है। दैन इस मैं अपने जिते भी कितने मेरे फेस से डार्क स्कैन ने उत्थे अप्लाई कराँगी, दैन आई दे नीचे जिते कि फेस से डार्क स्कैन है, लिप्स दे अराउंड एंड थोड़ा नोज दे अराउंड जिते कि मेरे हल्के फुलके निशान हैं, दैन इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी घट ही लग रही है। सब तो पहले कलर देख सकते हैं कि ओरेंज करैक्टर का काफ़ी ओरेंज ओरेंज कलर है। दैन इस अगर आप जैलो करैक्टर मिक्स करांगे तो ही ये सही रहेगा। सो ब्लेंड करके दे दें इसको, तो जिन्हें भी फेस कहने उन्होंने ये ओरेंज शेड काफ़ी डार्क रहेगा। दे सो फाउंडेशन अप्लाई करते भी ये ओरेंज करैक्टर अपने फाउंडेशन ओरेंज ओरेंज बना देगा। सो इस ब्लेंड करते इस तरह लग रहा है कि कोई आप पेंट ही अपने फेस से अप्लाई किया है, कोई इस क्रीमी टैक्सचर नहीं है कि जिस तरह थोड़ा करैक्टर क्रीमी टैक्सचर हुंदा है। ब्लेंडिंग क्वालिटी वधिया हुंदी है, सो ब्लेंड करन ते ईजली ब्लेंड हो जाता है। सो इस दे विच कोई मॉइस्चराइजर नहीं ऐड लगता। सो एक तां जिस तरह वाटर दे विच कलर ऐड किया हुंदा है उस तरह ही ओरिज करैक्टर लगता है। सो थोड़ा मैं ज़्यादा ब्लेंड किया है तां थोड़ा फेस सैट लग रहा है, नहीं तो जो फाउंडेशन है बिल्कुल उस नाल अपनी जो लुक के बेकार लगेगी। सो इस ओरिज करैक्टर भी बाय करने का कोई फायदा नहीं, मैंने तो इसकी क्वालिटी बिल्कुल बढ़िया नहीं लगी। सो एक तरह का कलर ही लग रहा है ये वाला, सो इस भी लैन का कोई फायदा नहीं। दैन इस बाद मैं अप्लाई करा फाउंडेशन, ये है ब्यूटी 18 प्रो फाउंडेशन,
सब तो पहला ट्यूब दे सकते हाँ काफ़ी इस तरह इस हवा भरी हुई है सो क्वांटिटी भी घट है दैन इस तो बाद इसका शेड बहुत ज़्यादा लाइट है जे सकते हो कि जिन्हें डार्क स्किन है या मीडियम स्किन उन्होंने ये शेड बहुत ज़्यादा लाइट है वाइट वाइट है बिल्कुल दैन इसको थोड़ा इस तरह मिक्स करके डॉट डॉट तरह मैं फेस से अप्लाई कर लवाँगी। तो अगर अपना लो बजट है दैन आप सस्ते प्रोडक्ट बाय करना चाहते हाँ तो अगर आप थोड़े मीडियम क्वालिटी में बाय कर सकते हैं अगर बिल्कुल ही चीप प्रोडक्ट बाय करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा सो अपने फेस से कोई वर्क भी नहीं करेंगे सो थोड़े ठीक प्राइस में अगर आप मीशो तो प्रोडक्ट बाय करेंगे तो हो सकता उन्होंने क्वालिटी वधिया हो पर वो भी आपको रिव्यू वगैरह चैक करने के बाद ही पता लगेगी सो जिस तरह थोड़ा इन्होंने प्रोडक्टों का रिव्यू तो पता लग गया होगा कि इन्होंने क्वालिटी किस तरह की है सो तुम कोई प्रोडक्ट मीशो तो बाय करना चाहते हो दैन रिव्यू चैक करके ही बहुत सारे रिव्यू दे रहे हैं सो उन्होंने रिव्यू चैक करके ही तुम प्रोडक्ट बाय करें नहीं तो थोड़े पैसे आने वेस्ट हो जाएंगे। सो दैन फाउंडेशन मैं अप्लाई कर लिया थोड़ा आई तो भी ये वाला फाउंडेशन अप्लाई कर लेंगे हाँ सो अगेन इसे ब्लैंडर के नाम ब्लैंड करा सो इस साइड ब्लैंड करा सो इस साइड और जो करैक्टर ब्लैंड किया है सो मिक्स हो जाएगा दैन करते हैं ब्लैंड सो शेड इसका वाइट वाइट लग रहा है दैन ब्लैंड करते देखते हाँ सो ये की बन गया फेस का सो फेस एकदम वाइट वाइट लग रहा है जिस तरह वाइट पेंट कर रहे हैं फेस नू सो इस साइड थोड़ा होर अप्लाई करते हैं पहले फाउंडेशन स्मैल ही बहुत बेकार है दैन तुम बाकी ब्लैंडिंग क्वालिटी देख सकते हो कि इस फाउंडेशन ने फेस का की बना दिता है सो फाउंडेशन देख सकते हो कि जिते ब्लैंड कर रहे हैं वाइट वाइट फेस नू बना रहा है एंड ब्लैंड भी दे रहे हो किस तरह हो रहा है ब्लैंड ही नहीं हो रहा सो पहला मैं थोड़ा हैंड ना ब्लैंड करके दे दी इस तरह सो हैंड ना तो बिल्कुल हैंड ते ही आ रहा है सो अगर इस तरह आप इस हैंड ना ब्लैंड करांगे तो बिल्कुल ही ये अपने हैंड ते ट्रांसफर हो जाएगा ना फेस ते लगे आप कुछ अप्लाई नहीं किया इस साइड देख सकते हो कि साइड तो बिल्कुल फाउंडेशन हट गया है सो इस फाउंडेशन की भी कोई कवरेज नहीं है सो ये भी बिल्कुल एक तरह का वाइट पेंट ही है ना इस विच कोई मॉइस्चराइजर है ना ही कोई फाउंडेशन की गल है तो देख सकते हो कि आई के नीचे तो हट गया है फाउंडेशन एंड देख सकते हो कि ओपन पोर्स के भी किस तरह बैठ गया फाउंडेशन एंड ब्लेंड भी नहीं हो रहा स्किन का जो अपना कलर से वह वाइट हो गया है एंड डब खड़ब्बा हो गया देख सकते हो अगर नेड़े तो देखा तो बिल्कुल स्किन बेकार लग रही है बहुत ही केकी लग रही है वह सो थोड़ा मैं सैट कर लेंदी हाँ इस तरह जिथे फाउंडेशन जम गया इस तरह तो फाउंडेशन तो जिन्ना क ब्लैंड होना सी हो गया दैन इस हम सैट करते हाँ सैट करने के लिए यह है कंपैक्ट सो यह है स्किन मॉइस्चराइजर प्रेसिड पाउडर सो दैन इस ना कर फाउंडेशन सैट सो फेस से फाउंडेशन ब्लेंड ही नहीं होया सैट उसनू की करना सो दैन ये भी अगैन वाइट है इसका टैक्सचर भी जो है पाफे थोड़ा सॉफ्ट है बस ये भी इस तरह वाइट चूना हुंदा है उस तरह ही झड़ रहा है सो मीशो के सस्ते प्रोडक्ट तुसीं देख रहे हैं कि इन्हां दी क्वालिटी किस तरह की है अगर आप यूट्यूब भी कम करना चाहते हाँ मेकअप लुक बना चाहते हाँ दैन तो भी ये प्रोडक्ट वर्क नहीं करेंगे सो मैरिज फंक्शन से तो आप इन्हों की अप्लाई करके जा सकते हैं सो वो जो ये मेकअप प्रोडक्ट हैं सिर्फ देखने ही हैं अप्लाई करने लिए नहीं हैं सो ये बस फेस में वाइट वाइट बना रहा है देख सकते हो कि जिन्हों की स्किन मीडियम है या डार्क है उन्होंने तो कंपैक्ट बिल्कुल नहीं है बाकी काफ़ी खुरदरा खुरदरा लग रहा है इसको अप्लाई करने के नाल सो इसकी भी कोई कवरेज नहीं है बस इसको थोड़ा मैं सैट कर लेंदी हाँ जिस तरह भी सैट होता है क्योंकि मेकअप लुक तो ये वाली बेकार ही बन वाली है सो लास्ट तक तो कंप्लीट करनी है सो फेस लुक तो अभी देख सकते हो कि बन गई है दैन उस तो बाद आई मेकअप करते हैं सो आई शेडो पैलेट जो मैं थोड़ी वधिया लगी सी इसको ट्राई करके देखते हैं कि इस तरह अपनी लुक किस तरह लगेगी तो देख सकते हो शेड सो शेड भी काफ़ी वधिया है क्वालिटी भी इन्हें ठीक ठाक है दैन इस सारे कलर हैं सो पहला ये वाला कलर मैं फिंगर ते लैके अप्लाई करांगी सो देख सकते हो कि कलर कितना वधिया है सो एक आई शेडो पैलेट सी दैन मैंने काफ़ी वधिया लगी सी एंड अफोर्डेबल है सो ये वाली आई शेडो पैलेट ले सकते हो अगर मेकअप में बिगनर हो दैन नोक वाले ब्रश से ये वाला कलर लैके इसनों क्रीज लाइन में लगावांगी मैं सो ये कलर भी देख सकते हो कि काफ़ी वधिया लग रहा है सो कलर सारे वधिया हैं सो क्वालिटी भी ठीक है कलर लैके मैं फ्लफी ब्रश से बाकी कलर नू ब्लेंड कर लवांगी।
सो आई मेकअप तुसीं देख सकते हो ठीक ठाक लग रहा है। दैन हुण इसे आई शेडो पैलेट विचों मैं बाकी का मेकअप कर लवांगी। दैन जो ब्लैक कलर इस नाल काजल ते आईलाइनर अप्लाई करांगे। सो इस आई शेडो पैलेट नाल हो सकता है कि अपना मेकअप थोड़ा ठीक ठाक लगे। सो काजल तो अप्लाई हो गया पर कलर थोड़ा फैल रहा है, सो हल्का हल्का ही अप्लाई कर सकते हैं। सो आईलाइनर लगाना चाहते हैं तो इसे कलर ना आईलाइनर लगा लवेंगे। इस वे जो भी है पिंक कलर है उसको आप ब्रशर वजो अप्लाई कर सकते हैं। वाला कलर लैके मैं ब्लशर अप्लाई कर लवेंगी। सो ज़्यादा पिंक है थोड़ा मिक्स करांगे लाइट पिंक नाल, नहीं तो फेस का पता नहीं की बन जाएगा। ब्रशर तो हो गया, दैन इस तो बाद जो गोल्डन कलर हाँ इसमें थोड़ा आप हाईलाइटर वजो अप्लाई कर लवेंगे। सो इस आई शेडो पैलेट जो मेकअप करना से मैं कर लिया एंड दैन उस तो बाद रह गया है लिप कलर। सो दोनों का कलर सेम है, दैन मैं ये वाली अप्लाई करांगी। इसका कलर इस तरह है, बस ठीक ठाक है डेली वेयर लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज माई फुल फेस मेकअप लुक। सो चीपस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम मीशो। सो दे सकते हो मेकअप लुक। सो देखने वैसे तो थोड़ा ठीक ठाक लग रही है पर जो आप नेड़े तो देखते हैं तो देख सकते हो कि बिल्कुल भी अपना मेकअप ब्लेंड नहीं होया है। सो फाउंडेशन कितों हट गया है कितों है एंड वाइट बना दिता इसने अपने फेस में। देख सकते हो अपर लिप्स तो आई के नीचे बिल्कुल फाउंडेशन नहीं है एंड बस आई मेकअप थोड़ा ठीक ठाक है शेड। सो इतने देख सकते हो फाउंडेशन बिल्कुल जम गया है। सो लग रहा होगा कि मेकअप ठीक ठाक है। सो वाइट वाइट तो दिख रहा है। सो जो भी ब्लेंडिंग क्वालिटी है वो नेड़े तो देखोगे तो पता लगेगा। सो देख सकते हो कि फाउंडेशन कितने ब्लेंड नहीं होया। सो जो सारे मेकअप प्रोडक्ट हाँ बिल्कुल बेकार हाँ, इन्हें लैन का बिल्कुल फायदा नहीं। हाँ ये वाले आई शेडो पैलेट जरूर लै सकते हो मेकअप बिगिनर हो तो बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो बाकी दे मेकअप प्रोडक्ट ये वाले लैन की कोई जरूरत नहीं। सो अगर तुम थोड़ा होर पैसा खर्च के इस तो वधिया मेकअप प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो दैन वो वाले मेकअप प्रोडक्ट ठीक रहेंगे एंड होर साइट तो भी बाय कर सकते हो एंड मीशो तो भी बाय करना तो बहुत सावधानी के नाल। बाकी मैं मीशो तो होर मेकअप प्रोडक्ट भी बाय करांगी थोड़ी वधिया क्वालिटी के जिस ना तो ये पता लग जाएगा कि मीशो तो किहड़े प्रोडक्ट वधिया क्वालिटी के मिलते हैं जिन्होंने बाय कर सकते हैं। सो नैक्सट आने वाले वीडियो में मैं वो मेकअप प्रोडक्ट भी शेयर करांगी। इस तों अलावा मीशो ते जो ड्रैस हैं बहुत वधिया मिलते हैं बहुत ही सस्ते प्राइस के। सो जो ड्रैसिंग हॉल हैं वो बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं। सो दैन मैं भी नैक्सट वीडियो में कुर्ती हॉल शेयर करांगी एंड कुर्ती हॉल तो स्टार्ट करांगे ये वाले जो हॉल हैं। सो अगर तुम मेरी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल करो सब्सक्राइब एंड बैल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर दियो। सो अज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो लाइक करो चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नैक्सट वीडियो में। बाय बाय।